कि मिस कश्यप कितना भी कोशिश करे सुबह उठने की परीक्षा में फेल हो जाएगी। रात माफी इनकी हेलो हाय बाय बाय खत्म ही नहीं हो बते का करी। हाँ, देखा जाए। अर्ली मॉर्निंग उठे कपड़ी, मिस कश्यप के उठाए कपड़ी, नहीं तर सासू माँ कर दी मिस कश्यप को बाय बाय। हमका आकाश बिटुआ की शादी के सपने को करे कपड़ी बाय बाय। ओहो का बकबक कर रही हो मनोरमा। अरे काहे चिल्ला रहे हो, हमरा सपना टूट गया ना। सो जा सो जा। अरे कैसे सो जाए, हम मिस लावण्या को उठाए कपड़ी, हमको अर्ली मॉर्निंग उठे कपड़ी ना, जाने का भरभरा रही है तब से। ओह तो हम स्लीप टॉक कर रहे थे, हमका का पता कि आप सुन रहे हैं, डॉग सर्कल ना हो जाए। हेलो हाय बाय बाय, मिस कश्यप को उठाते उठाते हम ही नहीं उठे। जयप्रकाश, पूजा की थाली तैयार कर दी, ये थाली वहां रख दीजिए। मनोरमा, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ आइए, आरती का वक्त हो ही गवा है। आई सासू माँ। ओ लेडी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है, एक तरफ ला एक तरफ मदर इन ला, और हम फंस गए बीच में। आई सासू माँ। आप हमका सुबह उठा नहीं सकते थे का? नानी आरती शुरू करें। आरती का वक्त तो ही गवा है, पर हम मिस कश्यप को और 10 मिनट देना चाहते हैं, ताकि कौन ये ना कहे कि हम जरूरत से ज्यादा उन पर शक्ति दिखावत है। पर हमें पूरा विश्वास है तब भी उस समय पर ना ही आ पाएंगी। मनोरमा, आप कहाँ जाते हैं? सुबह से हम देख रहे हैं कि आप कुछ खोजत रहे हैं। हम कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे हाँ, हरी हरी माँ, हम बिंदी लगाए का भूल गए। बिंदी? अरे बिंदी तो लगा के आए रही तुम। हेलो हाय बाय बाय, जवानी में भी तो ध्यान से नहीं देखे, अब बुढ़ापे में कहाँ देखत हो। अब ऊपर कहाँ जाइयो तुम, यहाँ मंदिर में सिंदूर पड़ी हुई, वही उठा के टिक्का बनाए लो। नहीं नहीं, हमको उसे रैस आवत है। रैस? रैस कहाँ हो बेटा? रैश मामा जी, रैश। मामी जी आप जाइए ना, हम इंतजार करते हैं। हम अभी आए थे। हाँ अभी मिस कश्यप को कैसन उठाई, अभी खिड़की से ही कूदे कपड़ी। मिस कश्यप को हेलो हाय करते करते कहीं हमारा बाय बाय ना हो जाए। जवानी में नहीं सोचे थे कि बिडुआ की मैरिज की खातिर इतना सारा पापड़ बेले का पड़ी। जय दुर्गा मैया।
क्या कर रही है तुम यार? कोई देख लिया तो? हम तुमका समझा रहे, ठीक से सोया करो। देख लियो, नींद कम होए से का होत है? अरे छोड़िए हमरा हाथ, छोड़िए हाथ, काहे छोड़ दे? बचकानी हरकत कर रहे थे तुम, कोई देख ली तो? अरे मिस कश्यप को उठाए कपड़ी, आरती के लिए लेट हुई रही, छोड़िए। पगला रही हो तुम, पगला रही हो? और काहे वो लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? हाँ अरे हाय बाय बाय, का हो यही काम? जाओ लागत है फिर से टचअप करे कपड़ी। स्लीपिंग ब्यूटी, कभी नहीं उठी, भगवान भी का जोड़ी बनाए हैं, और ना बिटुआ सो नहीं सकता है, और ये रही कुंभकरण की सिस्टर। अरे मिस कश्यप उठो, चीखो मत, नहीं तो बाय बाय हो जाए। मामी जी मुझे लगा लक्ष्मी है। लक्ष्मी? तुमको भी हम लक्ष्मी लागत है का? हम लक्ष्मी नहीं है, हम भाग्य लक्ष्मी है। तुम्हारा भाग्य ओपन करने की खातिर आए हैं क्या? अरे अरे तुमको उठाए की खातिर आए हैं, भूल गई का? नानी सुबह आरती के लिए बुलाई रही, जल्दी उठो तैयार हो जाओ, 10 मिनट में आरती शुरू हो जाए। चलो चलो जल्दी करो, हरी हरी। ओह गॉड, 10 मिनट में आरती? ओह गॉड। छोटे कहाँ है अंजलि? नानी आप तो छोटे को जानती है ना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत देर हो रही है, आरती की खातिर हम कोनों का और इंतजार नहीं कर सकते। हम तो पहले से ही जानत रहे कि मिस कश्यप वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगी। ये बार तो आप गलत गेस की है सासुमा, मिस कश्यप ऑन द वे है, मानना पड़ेगा, मन में श्रद्धा तो है ही है। नमस्ते एवरीवन, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम पे एंटर की हो, चलो चलो जाइने। लावण्य आप इतनी देर से क्यों आई हैं? नानी नाराज हो रही थी, वो क्या है ना, हम सब पूजा के टाइम पे इकट्ठे होते हैं, इसीलिए। सॉरी दी, एक्चुअली मैं लेट सोई थी। ये सब बहानन पे बाद में विचार विमर्श करिए, चलिए। तुम तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस निकली, एकदम 10 मिनट में तैयार हुई के, कपड़े पहन के और मेकअप आए के दिल्ली स्टेशन में का एंट्री मारी हो। मुझे प्रैक्टिस है मामी जी, 4 मिनट में मेकअप करने की, 3 मिनट में ड्रेसअप और 2 मिनट में एंट्री। तो नहाने के लिए एक ही मिनट ली होगा? नो मामी जी, नहाने का प्लान तो आरती के बाद है। मुझे ना एक्चुअली लॉन्ग ब्यूटी बात लेने की आदत है। लावण्य कश्यप, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना नाए मंदिर में आने की? हम आपसे कल रात ही कह रहे हैं कि आरती की खातिर आप स्नान के बिना नहीं आइएगा। नहीं नानी, वो मैं एक्चुअली क्या लग रहा आपको, कपड़े बदल के आप हमारी आंखों में धूल झोंक देंगे? आपकी नजर में हमारे शब्दों का कौन मोल नहीं? आप देर से आएंगी ये तो हम जान देती रहे, पर आरती माँ ऐसे ना ना हमें नहीं मालूम था।
सच्चाई और श्रद्धा चेहरे पे नहीं, मन मा होवत है मिस का सब मन मा। आज आपने झूठ बोल के अपने संस्कारों का परिचय दिया है। क्या यही परवरिश मिली आपको? क्या यही तहजीब है आपकी? अगर हाँ तो माफ कीजिए, हम नाराज ही नहीं शर्मिंदा भी है।